हेलो भाइयों एवं बहनों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो कोरोना की वैक्सीन जो आई है उसको लेने से डर रहे हैं उसके लिए शायद मददगार हो। मैं ये इस तरह समझाना चाहता हूँ लोगों को कि एक तरफ कोरोना है, एक तरफ वैक्सीन है, आपको चूज़ करना है। मैं इस तरह समझाता हूँ कि जैसे कि मान लो कोरोना की मौतें आप तो डेली सुन रहे हैं, कितनी हो रही हैं, और वैक्सीन से शुरू में आपने सुनी होगी कि 2 या 4 आदमी की डेथ हुई है, वो भी अफवाह है। तो आप चूज़ करिए कि आपको कोरोना से मरना है या वैक्सीन लगवा के कुछ दिनों बाद मरना है। लेकिन वैक्सीन तो बहुत ही प्रभावी है, आप उसको लें, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा। और जितना से जितना जल्दी हो सके जो तो 45 साल से ऊपर वाले हैं उनको वैक्सीनेशन करवाइए, अपने घर में घर वालों को मोटिवेट करिए, और भीड़ में ना जाइए, मास्क सैनिटाइजर साथ रखें अपने, और बंगाल की जनता जैसे मत मूर्ख बनिए, क्योंकि बंगाल की जनता जैसे मूर्ख मैंने देखा ही नहीं है। क्योंकि भाई जो रैली करवा रहा है, जैसे कि कोई भी पार्टी लीडर हो गया, वो जाके भाई रैली किया, उसके लिए तो हजारों मेड खा लिए, लेकिन आपको यदि कोरोना होने पाया तो आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन बंगाल की जनता के पल्ले ही नहीं पड़ा, समझ में नहीं आ रहा, जा रही है लाखों में। इसी तरह कहीं की भी जनता हो भाई, मत जाओ, कोई भी लीडर बुलाए, किसी की भी रैली हो मत जाओ, घर में रहो। सबसे ज़्यादा यही कोरोना का रोकथाम है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप अपनी जान तो गंवा ही रहे हैं, साथ में अपने घर वालों की जान गंवा रहे हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा भाई, लोगों जितना बच सके उतना बचो, और ये रैली पैली में जाना बंद करो, उनका रोज का धंधा है यही। तो बंगाल की जनता जैसे मूर्ख मत बनो, क्योंकि बंगाल की जनता इतनी मूर्ख है कि मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, और ऊपर से जो लीडर हैं वो तो है ही हैं। धन्यवाद।